तो दोस्तों अब हम इनके ये वाले एरिया में शेडिंग करेंगे, और इसमें शेडिंग करने के लिए हमें पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, और सबसे पहले हमें इसमें लाइट शेडिंग करनी है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर हम लाइट शेडिंग करेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट है यहाँ पर लाइट शेडिंग है, और दोस्तों जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हमें डार्क शेडिंग करनी है, जैसे कि ये पार्ट है तो हम इसमें डार्क शेडिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जहाँ पर लाइट शेडिंग थी हमारे रेफरेंस में वहाँ पर मैंने लाइट शेडिंग कर दी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग थी वहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग कर दी है। अब दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इन दो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फ्लैट ब्रश का यूज़ कीजिएगा या फिर आप इस राउंड ब्रश का यूज़ कीजिएगा। आप इन दोनों में से किसी भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्लेंडिंग स्टंप का भी यूज़ कर सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए। अब दोस्तों मैं इसको ब्लेंड करने के लिए जहाँ पर दोस्तों डार्क शेडिंग है वहाँ पर थोड़े प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करूँगा, और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं थोड़े लाइट प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करूँगा। आपको इसे कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है जैसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से ब्लेंड करना है जब आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर पाओगे। अब दोस्तों हमने इसमें शेडिंग को ब्लेंड कर दिया है, और आप देख सकते हो ये जो इसमें रिफ्लेक्शन लाइट है और ये थोड़ी सी डार्क शेडिंग है। हमें इसको बनाने के लिए हम इसमें और भी पेंसिल का यूज़ करेंगे, और इसमें भी आपको धीरे धीरे इसमें डार्क शेड्स बढ़ानी है। आपको इस तरह से इसमें शेडिंग करनी है जिस तरह से मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। आपको कुछ इतने डिस्टेंस से अपनी पेंसिल को पकड़ना होगा, तब आपको इसमें शेडिंग करनी है, और मैं 4B पेंसिल से वहीं पर शेडिंग करूंगा जहां पर डार्क शेडिंग है, बस आपको वहीं पर शेडिंग करनी है। दोस्तों हमने इसमें थोड़ी डार्क शेड्स भी कर दी है। अब दोस्तों आपको इस तरह की नेडेड इरेजर लेनी है, और दोस्तों जो आप ये इसमें हाइलाइट्स देख रहे हो इन्हें इस तरह से डॉट डॉट करके लगाना है कुछ इस तरह से, और दोस्तों आपको ये बहुत ही धीरे धीरे करना है इस तरह से। आपको दोस्तों इसमें टैप टैप करके इन हाइलाइट्स को लगाना है। जब आप इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छे से हाइलाइट्स हो पाएगा, और आप पोर्ट्रेट भी अच्छे से बना पाओगे। तो दोस्तों इतना तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो इनकी आईब्रो है हम इनको बनाएंगे। आपको दोस्तों कोई भी डार्क पेंसिल लेनी है, और उसकी हेल्प से हमें इस तरह से आईब्रो बनाते जाना है। जिस डायरेक्शन में आईब्रो का फ्लो होगा आपको भी उसी डायरेक्शन में आईब्रो बनानी है। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में इधर वाली आईब्रो का फ्लो इधर साइड को है, तो हम इधर की तरफ को आईब्रो बनाएंगे, और इधर वाले आईब्रो का फ्लो इधर की तरफ को है तो हम इधर की साइड को आईब्रो बनाएंगे। आपको बस इन हेयर्स का फ्लो को फॉलो करना है, देन इसके बाद आपको इस तरह से बनाते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से हम इधर की जो आईब्रो है इनको बनाएंगे। इसमें भी आपको दोस्तों आईब्रो की जो फ्लो है उसको देखना है। अब दोस्तों आपको इस तरह का पॉइंटेड ब्रश लेना है, और इसके हेल्प से आपको इसको इस तरह से ब्लेंड करना है।
जिससे कि सॉफ्ट हो सके। देखिए कुछ इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। अब इसी तरह से हम इस वाले आईब्रो को भी ब्लेंड कर लेंगे।